राज भर के बोल, संत कबीर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश, राज भर का बड़ा बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी मेरी बात नहीं मानेगी तो बर्बाद हो जाएगी। राजभर ने कहा कि जो 27% आरक्षण की रिपोर्ट है वह लागू कर दें। अलग लाइन लगा करके 100 में 9 सिपाही, 100 में 9 दरोगा, सर्वाधिक सेवा के नाम से भर्ती होगी। आप बताओ ये बंटवारा सही है कि गलत? कितने लोगों को सही है ये बंटवारा होना चाहिए? तो एक काम करो, ये भारतीय जनता पार्टी बंटवारा नहीं करना चाहती, ये हमको बढ़ा रहे हैं पाठ। ये मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, ये लोग ओम प्रकाश राजभर को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दुनिया 8। अब आप बताओ यहाँ इतने लोग हो, 16 दुनिया 8 होगा, 16 दुनिया 8 होगा। ओम प्रकाश राजभर, हमारे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया है, मैं उस गरीबी को झेला हूँ, किताब मांग के पढ़ा हूँ, कपड़ा दूसरे का पहन के पढ़ा हूँ। हमारे तमाम बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, महुआ का लाटा खा के पढ़ा हूँ, वो गरीबी झेला हूँ। वो गरीबी इस नाते गरीबों ये दिमाग में रख लेना, मड़ई में मैं भी पढ़ा हूँ, मड़ई में पढ़ा हूँ, पिताजी की नौकरी पाए, मकान बना दिए, उस गरीबी को झेला हूँ। इस नाते कहता हूँ मेहनत से पढ़ा हूँ, स्कूल के पिछवाड़े नहीं, स्कूल में छीट के नहीं पढ़ा, स्कूल में मास्टर साहब के सामने बैठ के पढ़ा हूँ। 16 गुना 32 होगा, आरक्षण बंटवारा कराओ, और नहीं तो देखो पिछली सरकार यूपी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, उसी को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, नहीं तो 27% में बंटवारा करो, नहीं तो ये सोच लेना कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में नहीं है। यूपी में शराब बंद कर दे ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन को काफी मजबूत बताया, अगर विभाजन नहीं करेंगे तो बोनी नहीं होगी, रालोद के शामिल होने से मामले बिगड़ गए हैं, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा चाहेगी तो चले जाएंगे। वहीं सभी पार्टियों के नेताओं पर निशाना साधते हुए सभी को बताया कि जो कोई दारू पिलाकर वोट लेता है तो कोई नोट बांटकर वोट लेता है।